Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार रजनीकांत सर की न्यू मूवी दरबार के एडवांस बुकिंग के बारे में। ये भी बताऊंगा कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि सिर्फ और सिर्फ तमिल में इस मूवी की एडवांस बुकिंग अभी स्टार्ट हुई है, वो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, या कोची हो, या बेंगलुरु, लेकिन सभी जगह सिर्फ और सिर्फ तमिल में ही इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स मुझे पता चली है उसमें यह है कि दरबार मूवी ऑफिशियली इसकी एडवांस बुकिंग हिंदी में भी स्टार्ट हो चुकी है और अन्य लैंग्वेजेस में भी स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि अभी तक कैसी एडवांस बुकिंग है। आज मूवी का थर्ड डे है एडवांस बुकिंग का। पहले स्टार्ट करेंगे मुंबई से। तो आप जितने भी मूवीज़ देख रहे हैं, देखिए सारी की सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, तेलुगु मूवीज़ है, तमिल मूवीज़ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर। यहाँ पे भी देख लें कि अब क्या कितना अब लोग इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। मूवी का क्रेज़ कल से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, अगर हुआ है तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत सर के फ़ैन हैं। अगर उनकी वीडियोस, उनकी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन जानना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप देख रहे होंगे पोस्टर में सुपरस्टार रजनीकांत सर, और इसकी रिलीज डेट जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इस मूवी को रिलीज़ किया जाना है January 9, 2020 में। एक्शन थ्रिलर ये मूवी है, तमिल, हिंदी, तेलुगु और मलयालम में इस मूवी को ऑफिशियली ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ ओवरसीज़ में रिलीज़ किया जाना है। अगर बात करूँ इंटरेस्टेड पीपल की तो अभी इस मूवी को देखने के लिए 95,737 पीपल इंटरेस्टेड है, और ये आंकड़ा जो है 1 लाख तक चले जाएगा आने वाले कुछ ही टाइम में। और सुपरस्टार रजनीकांत सर का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि अभी मूवी को रिलीज़ होने में कम से कम 4 दिन और बाकी है, और अभी से ही आप देख सकते हैं ये आंकड़ा लगभग 1 लाख को टच करने वाला है। और अभी असली क्रेज़ यानी कि रियल क्रेज़ आना बाकी है। जब मूवी के रिलीज़ होने से 2 दिन पहले जो क्रेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर बात करूँ मूवी के स्टार कास्ट के, तो सुपरस्टार रजनीकांत सर, नयनथ्रा और योगी बाबू मेन लीडिंग रोल में हैं। AR मुरुगदोस डायरेक्टर हैं और म्यूजिशियन हैं अनिरुद्ध। बात करूँ अगर कितने लोग इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने आपको बता दिया एडवांस बुकिंग। देखिए तमिल 2D में से रिलीज़ किया जाना है, हिंदी 2D में भी इसे रिलीज़ किया जाना है। पहले देख लेते हैं तमिल। तमिल में मूवी की एडवांस बुकिंग मुंबई में कितनी है, कितने शोज़ मिले हैं। तो आप जितने भी शोज़ देख रहे होंगे सारे के सारे तमिल शोज़ हैं, वो भी मुंबई में, और बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है। आप खुद देख सकते हैं ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है मूवी के शोज़ में, और काफ़ी शोज़ तो ऐसे भी हैं जो कि फास्ट फिलिंग है यानी कि जल्दी जल्दी फुल होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का ये टिकट है, और लगभग 90% ये थिएटर बुक हो चुका है। अगर बात करूँ नेक्स्ट शो की, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे शोज़ तमिल लैंग्वेज के शोज़ हैं, वो भी मुंबई में, जहाँ पे हिंदी मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी तमिल लैंग्वेज में मूवी को इतने ज़्यादा शोज़ मिले हैं। तो ये इस मूवी के लिए एक पॉजिटिव, आप कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 रुपीज़ और 80 रुपीज़ का टिकट है, और अगर आप देखें तो ये 95% थिएटर बुक हो चुका है, और कुछ ही देर में 100% होने वाला है। तो यानी कि सुपरस्टार रजनीकांत सर की फ़ैन फॉलोइंग मुंबई में बहुत ज़्यादा है, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा और डाउन चलते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 9 PM का ये शो है, इसमें भी देख लेते हैं बुकिंग कैसी चल रही है और टिकट प्राइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे 180 रुपीज़ और 120 रुपीज़ का टिकट प्राइस, और लगभग 60% थिएटर यहाँ पे भी बुक हो चुका है। यानी कि मुंबई की अगर आप बात करें, और वो भी हिंदी तमिल की, तो बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है। ये देख सकते हैं हिंदी में भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, 3 शोज़ अभी इस मूवी को मिले हैं, और आज के दिन ही यानी कि अभी 10-15 मिनट पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है। 200 रुपीज़ का टिकट प्राइस, और लगभग 10% तक ये थिएटर बुक हुआ है। वहीं गोल्डन सिनेमा में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लगभग 250 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और 5 से 10% ही यहाँ पर भी बुकिंग हुई है। यानी कि मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो तमिल लैंग्वेज की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग है, और इजीली
कहीं ना कहीं ये आंकड़ा आपको और भी इंक्रीज देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही टाइम में। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। अब दिल्ली में देख लेते हैं कि दिल्ली में एडवांस बुकिंग कैसी चली है सुपरस्टार रजनीकांत सर की मूवी दरबार की। क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत सर के फैंस ऑल ओवर इंडिया में हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही है, उनके ऑल ओवर इंडिया में फैंस हैं और वो भी भारी तादाद में फैंस हैं। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में भी शायद इस मूवी को दो लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाना है, लेकिन अभी देख लेते हैं। तो अभी दिल्ली में अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ तमिल में इस मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसे और भी शोज़ मिले, लेकिन दिल्ली में क्योंकि मूवीज़ लोग बहुत देखते हैं तो वहाँ पे मूवीज़ का आंकड़ा भी उतना ही ज़्यादा देख सकते हैं आप। सुपरस्टार रजनीकांत सर की मूवी दरबार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है दिल्ली में। यहाँ पे आप देखते हैं ये भी फास्ट फीलिंग है, ये भी फास्ट फीलिंग है, ये भी फास्ट फीलिंग है, यानी कि इतने फास्ट फीलिंग मुझे नहीं लगता कि किसी और रीजनल मूवी को इतने शोज़ और इतने ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिला होगा दिल्ली से। और अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो टिकट प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 185 रुपीज़, 177 रुपीज़ और 160 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और लगभग लगभग 70 से 80% ये थिएटर बुक हो चुका है। तो चलिए एक और शो देख लेते हैं, थोड़ा और डाउन चलते हैं। तो यहाँ पे ये 120 का शो है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें कि एडवांस बुकिंग मूवी की कैसी है, कितने शोज़ फुल हैं, 414 रुपीज़, 396 रुपीज़ और लगभग लगभग 30% ये थिएटर भी बुक हो चुका है। चलिए थोड़ा और डाउन चलते हैं। तो ये 9 PM का शो है PVR दिल्ली में, इसमें भी देख लेते हैं एडवांस बुकिंग कैसी है। सुपरस्टार रजनीकांत सर की मूवी, ओ माई गॉड, ये तो लगभग लगभग 100% ही आप कह सकते हैं, 175 रुपीज़ का टिकट प्राइस और लगभग लगभग 100%। यहाँ पे सिर्फ ये रो खाली बची है, इसमें 10 से 15 सीट्स बची हैं, बाकी फुल थिएटर जो है हो चुका है, बुक हो चुका है, और लगभग लगभग आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटे में ये फुल 100% होने वाला है। यानी कि अगर बात करें अपनी सेकेंड सिटी दिल्ली की, तो वहाँ पे भी दरबार मूवी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग देखने में आई है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हम देखते हैं बेंगलुरु की। क्योंकि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि बेंगलुरु में सुपरस्टार रजनीकांत सर के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि वहाँ पे तमिल मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो वो भी एक कारण है कि एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी ही रहेगी। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि तमिल में अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, साथ साथ तेलुगु में भी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि कन्नड़ में इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तमिल और तेलुगु में ही रिलीज़ किया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि कितना स्टार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे शोज़ तमिल लैंग्वेज में मिले हैं दरबार मूवी को, और क्रेज़ मुझे लगता है दिल्ली और मुंबई से ज़्यादा क्रेज़ इस मूवी का बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली और मुंबई में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जल्दी लोग एडवांस बुकिंग टिकट बुक नहीं करते, लेकिन फिर भी सुपरस्टार रजनीकांत सर के जितने भी फैंस हैं, ओ माई गॉड, 100% देख सकते हैं आप। 400 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, 350 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, 100% थिएटर पैक्ड है, फुल पैक्ड है, एक से दो सीट्स बची हैं यहाँ पे, बाकी ये थिएटर फुल हो चुका है, 100% ऑक्यूपेंसी है। यानी कि मैं इतना कह सकता हूँ कि रजनीकांत सर की ये मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल करने वाली है, जैसे उनकी पहले की मूवीज़ करती है। ये थिएटर भी 100% फुल है, बिल्कुल पैक है, 200 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, 150 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और 100% की बुकिंग चल रही है इस थिएटर में भी। थोड़ा और डाउन चलते हैं, तो यह है 745 का शो। यहाँ पे भी देख लेते हैं एडवांस बुकिंग मूवी की कैसी है, और अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी 100% बुक है। टिकट प्राइस की बात करूँ तो 300 रुपीज़ है और 250 रुपीज़ है, और लास्ट की एक से दो रोज़ खाली बची हैं, बाकी फुल हो चुका है ये थिएटर, और लगभग लगभग ये थिएटर भी 100% जाने वाला है बेंगलुरु में। 10 PM का नेक्स्ट शो है, इसे भी देख लेते हैं इसमें कैसे एडवांस बुकिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 236, 236, और ये भी लगभग लगभग 30% बुक हो चुका है। थोड़ा और डाउन चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये 815 का शो है, इसमें देख लेते हैं बुकिंग कैसी है। ये भी लगभग लगभग 100% आप समझे, 236 रुपीज़, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी सीट्स बची हैं, अदरवाइज ये थिएटर भी 100% बुक होने वाला है। तो यानी कि ये बेंगलुरु में तो मूवी की जो एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है वो सबसे अच्छी है, और काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बना रही। मुझे लगता है कि चेन्नई से भी अच्छी एडवांस बुकिंग मुझे बेंगलुरु में देखने को लग रही है, लेकिन अभी देखना होगा चेन्नई में क्या इस मूवी का रिपोर्ट रहती है। चलिए अब थोड़ा हैदराबाद की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं कि हैदराबाद में मूवी की एडवांस बुकिंग कैसी है। अगर हैदराबाद में बात करूँ तो आप देख सकते हैं दरबार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अगर बुकिंग की बात करूँ तो तेलुगु के साथ साथ तमिल में
इस मूवी को रिलीज़ किया जाना है। तो पहले तेलुगू के शोज़ देख लेते हैं कि तेलुगू में कितने शोज़ मिले हैं और तेलुगू में एडवांस बुकिंग कैसी है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे तेलुगू के शोज़ हैं दरबार मूवी के, और बहुत अच्छे एडवांस बुकिंग, काफ़ी शोज़ ऐसे हैं जो कि फुल हो चुके हैं, अब आप उनमें टिकट बुक नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लेते हैं 11 PM का ये शो है, और इसमें अगर हम एडवांस बुकिंग देखें तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप खुद ही देख ले, 150 रुपीज़, 150 रुपीज़, 80 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और ये थिएटर लगभग लगभग 95% बुक है सिर्फ ऊपर, और यहाँ पे बुक है सिर्फ बीच की थोड़ी सी रोज़ बची है, वो भी फुल होने वाली है। थोड़ा और डाउन चलते हैं, ये 11:15 का शो है, इसमें भी देख लेते हैं कि बुकिंग कैसी चल रही है मूवी की। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 125 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और लगभग लगभग यहाँ पे भी टिकट बुक है, यहाँ पे भी टिकट बुक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 80 से 90% की एडवांस बुकिंग चली है। अब आपको शोज़ बता दूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये 11 PM का ये शो है, ये अब आप बुक नहीं कर सकते क्योंकि ये फुल हो चुका है, 100% एडवांस बुकिंग है। 2:15 का अगर शो की बात करूँ तो यहाँ पे भी 100% होनी ही वाली है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी सीट्स खाली बची हैं, बाकी ये भी शो जो है वो 100% जाने वाला है। यानी कि हैदराबाद की बात करूँ तेलुगु लैंग्वेज की, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग आप देख लेते हैं तमिल की, हैदराबाद में तमिल में भी 4 से 5 शोज इस मूवी को मिले हैं, और एक शो फास्ट फिलिंग भी दिखा रहा है, तो उसमें देख लेते हैं बुकिंग कितनी है, कितने लोगों ने टिकट बुक कराई। अगर आप देखें तो 300 रुपीज़ का टिकट है, और लगभग लगभग ये थिएटर 95% बुक हो चुका है। तो बहुत अच्छे शोज़ मिले हैं, अच्छे खासे शोज़ मिले हैं, अच्छे अमाउंट में शोज़ मिले हैं, और अगर एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो वो तो क्या ही कहने, क्योंकि इस तरह से तमिल फिल्म की एडवांस बुकिंग हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में ये काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिली है। चेन्नई की भी मैं बात करूँ, अब जो मेन सिटी है जहाँ पे सुपरस्टार रजनीकांत सर की मूवी दरबार बहुत बड़ा धमाल कर सकती है, लेकिन देख लेते हैं कितने शोज़ मिले हैं चेन्नई में। अभी चेन्नई में यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा है दरबार मूवी, तो चलिए चेन्नई में भी देख लेते हैं क्या मूवी की रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत कम शोज़ अभी चेन्नई में मिले हैं, अभी चेन्नई में प्रॉपर एडवांस बुकिंग दरबार मूवी की स्टार्ट नहीं हो रही है, हुई है तो थोड़ी देर बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और जितने भी सुपरस्टार रजनीकांत सर के फ़ैन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थिएटर टिकट प्राइस है 200 रुपीज़, और लगभग लगभग 90 से 95% थिएटर बुक हो चुका है। तो अभी ये मैंने आपसे बात कर ली चेन्नई की, हैदराबाद की, मुंबई की, दिल्ली की, बेंगलुरु की, बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग चली है, और अगर बात करूँ टिकट प्राइस की तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो फर्स्ट डे की मैंने आपको सेकेंड डे की एडवांस बुकिंग कल बताई थी, आज मैंने थर्ड डे की भी बता दी, और आपको क्या कहना है कि चेन्नई में किस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग रहने वाली है आने वाले दिनों में। ऑफकोर्स ये शोज़ इंक्रीज़ ज़रूर होंगे, और भी अच्छे भी एडवांस बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, उसकी भी रिपोर्ट्स मैं आने वाले दिनों में आपको बताता रहूँगा। फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में बात करूँ तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मूवी 12 करोड़ से 13 करोड़ का कलेक्शन तमिलनाडु में, और लगभग लगभग 37 करोड़ से 38 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में अपने पहले दिन में ईजिली कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।